नमस्कार, वेक अप एंड शाइन यूट्यूब चैनल पर मैं विजय विक्रम सिंह आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। और ये जो कहानियाँ मैं आपसे कहता रहता हूँ, ये जो मोटिवेशनल बातें जो आपसे करता रहता हूँ, वो जारी रहें बदस्तूर और वो आप तक पहुँचती रहें, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करिए तुरंत तुरंत अभी। हाँ, वही 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 बटन दबाइए जो बेल आइकॉन है ना, उसको दबाइए। तो आज फिर मैं हाजिर हूँ और आज बात करेंगे फ्रांस के मशहूर योद्धा नेपोलियन बोनापार्ट। द मैन हु हैज ट्रेन्ड हिज माइंड टू विन विल नेवर से इम्पॉसिबल, ये कहा था उन्होंने। जिसने ये ठान लिया है कि मुझे जीतना है या आगे बढ़ना है, वो असंभव शब्द का प्रयोग नहीं करेगा कभी। नेपोलियन साहब ने असंभव शब्द को कभी माना ही नहीं। और ये जो कहानी अभी मैं सुनाने जा रहा हूँ, एल्प्स की कहानी, एल्प्स पर्वत श्रृंखला जो यूरोप में दौड़ती है, उसकी कहानी। तो नेपोलियन साहब जो है बहुत महान योद्धा थे और कई लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी। इटली पर एक बार हमला करने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रिया की जो फौजें थीं वो वहाँ पर थीं, उन्होंने सोचा कि एल्प्स को पार करके एक सरप्राइज़ अटैक कर देंगे ऑस्ट्रियन आर्मी पर, और ऑस्ट्रिया की आर्मी उस सरप्राइज़ अटैक की वजह से टूट जाएगी। लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो समस्या थी, सबसे बड़ा जो रोड़ा था, वो था एल्प्स पर्वत श्रृंखला, क्योंकि वो पर्वत श्रृंखला बहुत ही कठिन दुर्गम है और उसको कोई पार कर नहीं पाया आज तक। और ये बात नेपोलियन की फौज के लोग भी जानते थे। तो ये एक बहुत भारी चैलेंज नेपोलियन के सामने था कि अपनी फौजों को कैसे मोटिवेट करें आगे बढ़ने के लिए, उस श्रृंखला को पार करने के लिए। तो उन्होंने चलना शुरू किया। एक जगह पहुंचने के बाद जहां पर विश्राम किया रात में, उन्होंने फौज के जो जितने भी बड़े जनरल थे उनको बुलाया और पूछा कि इससे पहले कभी एल्प्स पार किया है या देखा भी है? तो सबने कहा नहीं देखा है। तो बोले ठीक है, तो एक काम करते हैं, जब चलते रहते हैं, जब वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ एल्प्स पर्वत श्रृंखला शुरू होगी, जो सबसे दुर्गम रास्ते हैं वो शुरू होंगे, तब देखा जाएगा, अगर लगेगा नहीं कर सकेंगे तो वापस चले आएंगे। अगले दिन इसी ख्याल के साथ नेपोलियन की फ़ौज ने आगे बढ़ना शुरू किया। कई दुर्गम रास्तों को पार करते चले गए और हर बार जब पूछा जाता कि क्या ये एल्प्स पर्वत श्रृंखला है, तो जवाब मिलता नहीं ये नहीं, अभी आगे। करते करते वो एक जगह पहुँचे जहाँ सिर्फ मैदान दिखने लगा। तब उनकी फ़ौज के जनरल्स ने पूछा कि अब कितनी दूर है वो पर्वत श्रृंखला जो हमें पार करनी है? बोले वो हम पार कर चुके हैं, वो हमने पार कर ली है, अब हमें सिर्फ आगे बढ़कर इटली पहुंचना है और ऑस्ट्रिया की आर्मी पर अटैक करना है। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। पर ये नेपोलियन की स्ट्रैटेजी थी कि जो चीज़ पता ही नहीं है, जो चीज़ किसी ने देखी ही नहीं, उसका थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हैं और दिमाग से खेलते हैं। इसलिए पता लगने ही नहीं दिया कि वो पहुंच गए हैं या उसको पार कर रहे हैं। ये हमारे साथ भी होता है, फियर ऑफ अननोन, कि साहब जो चीज़ आई नहीं है सामने, वो अगर आ गई तो क्या होगा, ये जो आई नहीं है सामने, जिसको हमने देखा ही नहीं, उससे डरना क्या, क्यों डरें कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो स्ट्रेस ना लीजिए, चीज़ें जो आती रहती हैं उनका सामना करिए, और सामना करते करते हम कम पार पा जाएंगे उन कठिनाइयों का हमें पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो फियर ऑफ द अननोन है ना, ये अपने जहन से निकाल के फेंक दीजिए अभी के अभी। फियर ऑफ द अननोन जब भी आए तो ये सोच लीजिए कि अभी वो अननोन है, उसको पहले नोन तो कर लें, मतलब उसको समझ तो लें। हाँ, वहाँ पहुँच के अगर लगता है कि नहीं कर पाएंगे तो ठीक है, चले जाएँगे पीछे, हट जाएँगे पीछे, पर प्रयास तो करिए। वेक अप एंड शाइन यूट्यूब चैनल पर आप मेरे यानी विजय विक्रम सिंह के साथ हैं, और हमारे चैनल को यानी कि वेक अप एंड शाइन को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक हम कहानियाँ पहुँचाते रहें, कहते रहें कहानियाँ। और मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़िए, इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल @vijayvikram77 और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विक्रम सिंह के नाम से। नमस्कार।